स्टूडेंट्स, मैं आकाश मीणा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से EMI की जो सेकेंड यूनिट है ट्रांसड्यूज़र, उसका सब टॉपिक है थर्मोकपल। उसको अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रांसड्यूज़र की बात करते हैं। देखिए, ट्रांसड्यूज़र वो डिवाइसेस होती है जो वन फॉर्म एनर्जी को क्या करती है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। या अगर अपन अदर वर्ड्स में बात करें तो ये क्या करता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जैसे टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, फोर्स आ गया, उसको क्या कर देता है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ में चेंज कर देता है। अब मेजरेबल क्वांटिटीज़ से क्या मतलब हो गया कि जैसे अपनी करंट हो गई, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब कैसी है, मेजरेबल क्वांटिटीज़, यानी इनको अपन मेज़र कर सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर वो डिवाइसेज हो गई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजरेबल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देती है। थर्मोकपल भी ट्रांसड्यूसर का एक टाइप है। अब थर्मोकपल के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर थर्मो, ये थर्मो है, ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ये कपल है, ये क्या करता है, दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना होता है, ये उसको इंडिकेट कर देता है। अब बात करते हैं, देखिए, ए थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स हीट डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या करता है, जो थर्मो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है ये क्या करता है कि जो हीट होती है यानी जो ऊष्मा होती है उसको डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वो है इसका सी बैक इफेक्ट, यानी सी बैक इफेक्ट, जो सी बैक इफेक्ट है इस पे ये कार्य करता है। बात करते हैं, दिस कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मेजर टेम्परेचर डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोड्यूस करते हैं ये कहाँ से करते हैं, जब अपने को टेम्परेचर मेजर करना हो या टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना हो, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और जो टेम्परेचर है उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अपन क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये थर्मोकपल हो गया अपना। अब बात करते हैं थर्मोकपल के कंस्ट्रक्शन की। देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें इस तरीके का अपने को जो थर्मोकपल है वो मिलता है। और ये जो डायग्राम है इसका, कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए, ए थर्मोकपल इज़ ए जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मेटल दैट प्रोड्यूस ए वोल्टेज रिलेटेड टू ए टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो थर्मोकपल होता है ये क्या करता है, दो अलग अलग मेटल से मिलकर बना हुआ होता है। अब दो अलग अलग मेटल बनाएंगे तो उनके क्या, जब दोनों को अपन कम जोड़ते हैं या दोनों को वेल्डिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग जंक्शन बनेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर का ये दूसरा मेटल है और ये ब्लू कलर का ये अलग मेटल, तो इन दोनों को अपन एक यहाँ पर ऐड किया है, जोड़ा है, तो यहाँ पर एक जंक्शन बन गया और दूसरा जंक्शन इधर बन गया। तो एक जंक्शन पर क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं, और दूसरे जंक्शन पर क्या करते हैं, टेम्परेचर को, इसको जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो क्या आएगा, वोल्टेज या करंट होगी, उसको अपन क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर या एमीटर की सहायता से क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। ए थर्मोकपल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टू वायर्स मेड ऑफ डिसिमिलर मटीरियल कॉन्टैक्ट एट आइदर एंड विल जनरेट ए पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ द मटीरियल्स एंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए सी बैक इफेक्ट। देखिए, अगर अपन आम भाषा में या दूसरे शब्दों में बात करें तो ये क्या है कि ये अलग मटीरियल हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, अलग मटेरियल हो गया। अब अपन ने क्या किया, दो अलग अलग मटेरियलों को आपस में कंबाइंड किया है, जोड़ दिया है, तो दो जंक्शन बन जाएंगे। एक जंक्शन रहेगा उसको अपन ने रेफरेंस जंक्शन नाम दिया है, दूसरे को क्या दिया है, मेजरिंग जंक्शन। अब ये रेफरेंस जंक्शन है, ये क्या करेगा, अपना रेफरेंस के कंपेरेटिव रखा है इसको, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि ये मेजरिंग जंक्शन है, इसको तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पर अपने का टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पर रखेंगे। और इंस्ट्रूमेंट, ये अदर वाला जंक्शन है, इसको अपन ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करके रखा है ताकि जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को अपन वोल्टेज या जो भी करंट आ रही है उसको इंस्ट्रूमेंट में अपन क्या कर सके, मेजर कर सके। देखिए, यहाँ पे सर्किट डायग्राम से इसको समझाया गया है। ये रेड वाला है, ये मेटल ए है, और ये ग्रीन अपने को दिख रहा है, ये मेटल बी है। दोनों को अपन ने कंबाइन कर दिया, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि दो अलग अलग जंक्शन बनेंगे, तो ये अलग मेटल हो गया और यहाँ पे एक अलग मेटल हो गया, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ये एक अलग जंक्शन हो गया और ये अलग जंक्शन हो गया। अब दोनों मेटल की वजह से दो जंक्शन हो गए, तो एक जंक, अब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने एक हीट सोर्स लिया है, जैसे यहाँ डायग्राम में देखा अपने मोमबत्ती लिया। अब अपन चाहे तो कुछ और भी हीट सोर्स ले सकते हैं जो क्या करे, इस वाले जंक्शन को क्या करे, हॉट कर दे, यानी इसको हीट देंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और सेकेंड जंक्शन था, इसको अपन ने क्या किया है, ये बीकर लेके इसमें अपन ने आइस में डाल दिया इसको, तो
अब आइस में डाला है तो ये ठंडा जंक्शन हो गया, और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस दे रहे तो ये हॉट जंक्शन हो गया। तो इस वजह से इसको नाम भी दिया गया हॉट जंक्शन, और इसको नाम दिया गया कोल्ड जंक्शन। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ये जो अपना वोल्ट मीटर था, इस वोल्ट मीटर को दोनों वायर थे इनको कनेक्ट कर दिया। अब जो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या करेंगे, इस वोल्ट मीटर की सहायता से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अपने को इन टर्म्स ऑफ ये जो वोल्ट मीटर, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में अपने को क्या देगा, रीडिंग देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ इट लुक लाइक्स। तो देखिए इसमें बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, यह बाहर क्या है, एक स्टील है, स्टील स्ट्रेंथ है। ये क्या करता है, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव ट्यूब का काम करती है। तो जो अपना ये थर्मोकपल था, जैसे ये अंदर देख रहे हैं अपन वायर, तो ये थर्मोकपल के वायर हो गए, यहाँ पर ये दोनों वेल्ड है, और ये बाहर जो ट्यूब है ये क्या है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। तो ये किसके लिए काम करती है, कोरोजन से बचाव करने के लिए काम करती है। तो ये इसका इंडस्ट्रियल में लुक लाइक्स हो गया जिस तरीके से। और ये वाला जो पार्ट है इसको अपन वहाँ रखते हैं जहाँ का अपने को मेज़र करना होता है, ये मेजरिंग जंक्शन हो गया इसका। अब बात करते हैं, देखिए जो मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं, तो अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी जो टेम्परेचर रेंज है मेजर करने वाली वो अलग अलग होगी। साथ ही साथ इनकी जो सेंसिटिविटी है, जो पर डिग्री के हिसाब से चेंज होती है, वो भी क्या होगा, अलग हो। जैसे टाइप के की बात करते हैं, क्रोमल और एलुमेल का ये बना होता होता है, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये जो सेंसिटिविटी है ये 41 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी सेंसिटिविटी भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। बात करें ई टाइप की, तो एक क्रोमल और कॉन्स्टेंटन का बना होता है, इसकी टेम्परेचर रेंज है वो है 401 से 900 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेज़र करता है। साथ ही साथ यहाँ के 68 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है। टाइप जे की बात करें तो ये आयरन और कॉन्स्टेंटन के बने हुए होते हैं, इनकी रेंज है वो -40 डिग्री से 750 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो है 55 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं एन टाइप की, ये है जो देखिए, यह ये जो नाम है ना, ये एलॉयज है, यानी कि अलग अलग मेटल से बन के एलॉय बनते हैं उनके ये नाम है। जैसे निक्रोसिल है और ये निसिल है, तो ये जो बना है इन दोनों का, जो ये भी एलॉय है और एक ये भी एलॉय है, तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी इससे नीचे तक का टेम्परेचर ये क्या कर सकता है, मेज़र कर सकते हैं। और इसकी जो जो सेंसिटिविटी है वो 39 माइक्रो वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके की ये मटेरियल है जो अपन यूज़ करते हैं थर्मोकपल के कंस्ट्रक्शन में। इनके अलग अलग मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे रखी है, इनको अलग अलग टाइप दे रखे हैं, तो ये मटेरियल यूज़ हो गए थर्मोकपल के कंस्ट्रक्शन में। बात करते हैं एडवांटेज की, देखिए थर्मोकपल है वो रग्ड होता है, साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स सर्किटरी नहीं होती, इसलिए इनएक्सपेंसिव भी होता है, और क्विक रेस्पॉन्स होता है। जैसे ही टेम्परेचर अपने डिफरेंस करेंगे तो ये क्विक रेस्पॉन्स करेगा विद टाइम। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, साथ ही साथ इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है ये बहुत अच्छी होती है। अगर अपन मोस्ट सबसे बढ़िया अगर एडवांटेज की बात करें तो ये लास्ट वाला जो है ये है, अभी अपन इसका कंपेरिजन भी देखेंगे। तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है, जिस टेम्परेचर रेंज में ये काम करता है वो बहुत वाइड है, तो इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुआयात में अगर अपन जाएंगे बहुत ही वाइड रेंज में इसका उपयोग होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज देखिए, इसकी थोड़ी एक्यूरेसी होती है वो लो होती है, और वल्नरेबल होता है टू कोरोजन के लिए, यानी इसका कोरोजन बहुत आसानी से हो जाता है। थर्मोकपल ऑपरेशन इज़ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स विथ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर। जो थर्मोकपल होता है, देखिए डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो ये लो एक्यूरेसी है, वल्नरेबल टू कोरोजन होता है, और थर्मोकपल की जो पोटेंशियल सोर्सेज होती है एरर की, ये रिलेटिवली क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये डिसएडवांटेज हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग से स्लाइड डाली है कि जो आरटीडी है इसका भी सेम काम है, ये भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और थर्मोकपल है ये भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी अगर अपन बात करें तो अपन को थोड़ा और ईजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने पैरामीटर दे रखे हैं, इन पैरामीटर पे जो थर्मोकपल है उसकी ये है, और आरटीडी है उसका ये वाला है। टिपिकल मेजरमेंट रेंज की अगर अपन बात करें तो थर्मोकपल है, जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ा जो थर्मोकपल का एडवांटेज है वो यही है, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत वाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा रेंज होती है, अधिक रेंज होती है। तो अपने को ज़्यादा रेंज की वजह से क्या होता है, अपन ईजीली टू इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने को सोचना नहीं होता कि टेम्परेचर की रेंज अगर वेरी हो जाएगी तो थर्मोकपल वहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा।
तो ये देखिए यहाँ पर इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, करीब 200 डिग्री माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस से 2300 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। अगर आरटीडी की अगर हम वही बात करें तो इसकी रेंज क्या है, थोड़ी कम है। यहाँ पर देखिए 250 अप्रोक्स है और ये 650 तक है, डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये रेंज इसकी काफ़ी कम है इस कंपेरेटिव टू थर्मोकपल। बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, देखिए जो इसका आउटपुट आता है यानी जो थर्मोकपल का आउटपुट आता है वो लीनियर आता है, और आरटीडी का जो आउटपुट आता है वो नॉन लीनियर आता है। सेंसिटिविटी दोनों की मीडियम है। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स की बात करें तो ये भी हाई है और ये भी हाई है, तो दोनों सेम हो गए। टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर की बात करें तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया और ये पैसिव ट्रांसड्यूसर हो गया। देखिए जब ट्रांसड्यूसर की अपन जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर का, तो क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। देखिए अगर इन शॉर्ट में मैं बात करूँ तो एक्टिव टाइप के वो ट्रांसड्यूसर हो गए जिनको बाहर से किसी ऑक्सिलरी सर्किट या सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। और पेसिव ट्रांसड्यूसर वो हो गए जिनको बाहर से किसी ऑक्सिलरी सोर्स की आवश्यकता होती है अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो नाम से पता चला ये एक्टिव हो गया और ये पेसिव हो गया। एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, आरटीडी की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। साइज़ में बात करें तो इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, कंस्ट्रक्शन भी इसका ईजी होता है, इसकी जो होती है साइज़ वो लार्ज होती है। कॉस्ट की बात करें, देखिए इसकी कॉस्ट है वो कम होती है क्योंकि इसमें अलॉयज यूज़ होते हैं, जबकि इसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पर प्लेटिनम निकल और कॉपर टाइप के जो मटेरियल है वो यूज़ होते हैं, तो इनकी कॉस्ट हैज़ कंपेरेटिव टू हाई है। मटेरियल अपन ने देखे हैं अभी, कॉपर कॉन्स्टेंट हो गया, आयरन कॉन्स्टेंटेंट हो गया, जबकि यहाँ पर बात करें तो निकल कॉपर और प्लेटिनम अपन यूज़ करेंगे। कंपनसेशन की बात करें तो कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है जबकि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कोल्ड जंक्शन अपने को बनाना ज़रूरी होता है और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड होती है आरटीडी के अंदर। एप्लीकेशन की बात करें अगर अपन की कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन है सूटेबल फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर वाइड टेम्परेचर, यानी कि जहाँ पर वाइड टेम्परेचर रेंज है, जहाँ पर टेम्परेचर की बहुत वाइड रेंज है, जहाँ पर ज़्यादा रेंज के टेम्परेचर को अगर मेज़र करना होता है वहाँ थर्मोकपल को यूज़ करते हैं, और जहाँ पर स्पीड एक्यूरेसी रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर अपन आरटीडी का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों में कंपेरिजन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।